मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। एटीएम से पैसे निकालने की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह को थाने पुलिस ने गिरफ्तार करके पर्दाफाश किया है। इनके पास से 101 एटीएम कार्ड 35 अलग अलग बैंकों के बरामद किए गए हैं और आरोपी के नाम है सनी सिंह, श्रीकांत गोडबोले, हरिदास मागरे और रामवर शिरसाठ। इन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एटीएम में पैसे निकालने आए लोगों की मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड ले लेते थे और डुप्लीकेट एटीएम उन्हें दे देते थे और एटीएम इस्तेमाल करते समय उनका पिन नंबर भी ले लेते थे। इसी तरह से ये पूरा गिरोह थाने के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया है। एक महिला के अकाउंट से इन लोगों ने करीब 38,500 रुपये निकाल लिए और इसी शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी और गोपनीय जानकारी के आधार पर इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस आयुक्तालय के बहुत सारे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हो रहे थे कि एटीएम मशीन जो जहाँ पे ऑपरेट होती है वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और चीटिंग करते हैं, तो ऐसे मामले दर्ज थे। तो उसके तहत हमारी एंटी एक्सट्रैक्शन सेल वर्कआउट कर रही थी। एंटी एक्सट्रैक्शन सेल के सीनियर पीआई मालोजी शिंदे और उनकी टीम इसके ऊपर वर्कआउट कर रही थी। टेक्निकल उन्होंने जो तपास किया उसके बाद ऐसा पता चला कि इसमें कुछ लोग वहाँ पर आके एटीएम में अगर कोई वृद्ध आदमी है या कोई जिसको एटीएम का कार्ड स्वाइप अच्छे से करना नहीं आता या पिन डालने नहीं आता है उसको वो आइडेंटिफाई करते थे। उसके अंदर एक पीछे बंदा खड़ा रहता था ये आरोपी और उसके साइड में दूसरा आरोपी खड़ा रहता था, उसको ये बुलाते थे और उसके साथ बातचीत एक बंदा करता था तो दूसरा आरोपी उसका पिन नंबर देखता था क्या पिन डाला है करके। तो ये और बाद में जो कार्ड था वो बोलने में उसको रख के उसका जो कार्ड था वो कार्ड निकालते थे और दूसरा कार्ड सेम बैंक का उसको उनके इनके पास कार्ड था तो वो उनको रिप्लेस करते थे और तुरंत जाके दूसरे एटीएम से ये उसका पैसा निकालते थे। तो ऐसा इनका मोडस था। तो इसमें जो अभी जो चार आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं और बाकी के भी और इसमें कोई इन्वॉल्व है या और भी कुछ गुने इन्होंने किए हैं, इनके पास से लगभग 101 एटीएम कार्ड हमने रिकवर किए हैं और ये जो एक गुना दाखिल है उसमें से 70,000 रुपये हमने इसमें से रिकवर किए हैं। तो और भी इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे गुने ओपन हो जाएंगे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ऐसे और भी कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है तो सामने उसका इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। सर ये जो नॉर्मली आह्वान क्या करना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को मेरा आह्वान रहेगा कि एटीएम कार्ड अगर हम एटीएम मशीन में ऑपरेट जो नॉलेज नहीं है अगर हमें नहीं आता है तो हमारे घर के पहचान के लोग या हमारे कोई फ्रेंड है जो पहचान का है उसको लेके जाओ। अगर एटीएम मशीन जहाँ पे है वहाँ पे अगर कोई अननोन पर्सन आता है और आपको बताता है कि मैं ये करूँगा आपको मदद करूंगा तो ऐसे लोगों को हमने पास नहीं लेना चाहिए। सेम चीज़ें हमने पाई गई है कि बैंक में भी जो कैश विड्रॉल होता है तो वहाँ पे भी लोग ऐसे आते हैं कि मैं आपको जो स्लिप है वो भर के देता हूँ या पैसे विड्रॉल करके देता हूँ और वहाँ पे चीटिंग होती है। तो नागरिकों को यही आह्वान है कि ऐसे जगह पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपने हमारे पहचान के ही लोग लेके जाओ और अननोन पर्सन के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना चाहिए। ये जो चार आरोपी है इनके और निश्चित रूप से जो हमने जो चार आरोपी पकड़े हैं उसमें से एक सनी चिकना करके है, सनी मुन्ना सिंह करके है जो 28 साल का है आरोपी नंबर एक, दूसरा श्रीकांत गोडबोले करके है दूसरा 28 साल का है। तो इनके ऊपर लगभग 9 गुने ऑलरेडी दाखिल है, पूरे महाराष्ट्र में दाखिल है इनके ऊपर, हमारे थाने आयुक्तालय में भी है, पंढरपुर में भी इन्होंने ये किया है चीटिंग का केस और जलगांव में भी चीटिंग केस इन्होंने किया। जो और केस है सर ये पूरे कुछ सनी उर्फ मुन्ना सनी उर्फ सनी चिकना करके है उसके ऊपर है वो चीटिंग के केसेस दाखिल है, दूसरा एक श्रीकांत गोडबोले करके है उसके ऊपर चीटिंग प्लस 307 वगैरह अलग से दाखिल है तो वो अलग केसेस है लेकिन चीटिंग के केसेस भी इसके ऊपर दाखिल है। तो इनका पूरा
जो गैंग है ये चीटिंग करने में ऑपरेट करता था और ऐसे एटीएम के फ्रॉड जो करते थे उसमें ही ऑपरेट। अभी तक के कितनी बैंक में लोगों ने फ्रॉड किया है जो आपने अभी तपास? लगभग हमारे जो अभी हमने 101 एटीएम कार्ड बरामद किए तो लगभग 35 बैंकों के एटीएम कार्ड उसमें उनके पास से बरामद हुए और अभी जो 7 गुने हमने इसमें ओपन किए हैं तो 7 बैंकों के अलग अलग एटीएम इन्होंने यूज़ किए हैं। तो अभी आगे जाके भी ये जो 101 एटीएम है उसके थ्रू उन्होंने कितना चीटिंग किया है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। तो इसमें बहुत सारे बैंकों के एटीएम इन्होंने ऑपरेट किए।